What is up, everybody? I'm Bilal, and you're watching me on Reaction TV. दोस्तों आज हम मूवी का ट्रेलर देखेंगे. उसका नाम है मिलन टॉकीज और मूवी बनाई है तिग्मांशु धुलिया ने. अली फजल इसके लीड रोल में है और ये श्रद्धा कपूर नहीं है, कोई और श्रद्धा है. तो ये मूवी में देखते हैं कौन सी श्रद्धा है. तो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स हैव द रिएक्शन. टॉर्क फिल्मी गीड़ा प्रोडक्शंस पर बोल. मगर इस बदलती दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती वो इंसान नहीं बदलता. नाइस. आप नहीं कर पाए, आप नहीं था. क्या नहीं था? टैलेंट. अगर हमारे अंदर टैलेंट नहीं था बेटा तो तुम भी राज कपूर नहीं बनने वाले हो, उतना समझ लो. इस कंट्री का सबसे बड़ा फिल्म डायरेक्टर बनूंगा मैं. तेरी तेरी जमाना हमको ठेंगा फिकर. न्यू एक्ट्रेस है. जवाब है सर, हिला के ही दे दो. क्यों दे? ले लो जवाब. प्यार करते हो तो शादी करने के लिए तुम्हारे एग्जाम में पास होना जरूरी है. शायद तो पिछले साल ही हो जानी थी पर हम फेल हो गए. किसी को कहने नहीं देंगे कि अन्नू की गर्लफ्रेंड फेल हो गई. ईसापुर में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति पर आकलन कीजिए. बताओ नहीं नकल ना करे तो पास कैसे हो? मैंने सुना है गाने ओल्ड स्टाइल बॉलीवुड मूवीज टाइप के हैं. फिर तो क्या यार, सिर्फ इक्का दुक्का दिन करते हैं. मेरी दिवाली बर्थडे करवा चौथ टाइप. जो हमारे बीच बीच से लव स्टोरी चल रही है ना, ये तुमको लगा हमको पता नहीं चलेगा क्या? हम पंडा हैं, मर्यादा का पालन करना हमारा धर्म भी है और धंधा भी. यार ये एक्टर बड़ा एग्जाम से पास करेंगे. आशुतोष राणा. मत आ गई है तो गलती करके देखते. मूवी हिट हो या फ्लॉप हो, जिंदगी सुपर हिट होनी चाहिए बॉस. और जिंदगी तब सुपर हिट होती है जब आपको वो हासिल हो जाए जो आपने अपने दिल से चाहो. मिलन टॉकीज फिल्म बाय तिग्मांशु धुलिया. आपकी फिल्म है एक बार जरूर देखिएगा. हाँ तो भैया फिल्म यार थोड़ी सी जो है वो ट्रेलर से क्लियर नहीं है. ट्रेलर स्टार्ट होता है थिएटर से, थिएटर के बाद वो दिखाते हैं कि वो एक अच्छा डायरेक्टर बनना चाह रहा है और इंडिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर बनना चाह रहा है. लेकिन फिर कहानी जो है वो कहीं और निकल जाती है और फिर लव स्टोरी बन जाती है कहानी. और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ट्रेलर से, ये बात समझ में नहीं आ रही कि फिल्म में वो मतलब अच्छा मतलब ये बता तो रहे हैं कि लव स्टोरी, लेकिन लव स्टोरी के अंदर उन्होंने जो है वो डायरेक्टर का भी एक अलग कहानी इन्होंने ऐड की हुई है. खैर देखेंगे मूवी कैसी है. मैं मुझे तो कोई इतनी ख़ास लग नहीं रही है कि मतलब लाइक इतनी ख़ास नहीं लग रही है कि लोग इसको सिनेमा में जाके देखेंगे. आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताएँ. और तिग्मांशु धुलिया की फिल्म है. इनके बारे में मुझे पहले तो नहीं पता था, बट मुझे गैंग तो वासीपुर में जो उन्होंने एक्टिंग की उसके बाद मुझे पता चला कि ये डायरेक्शन भी करते हैं और थिएटर में भी रह चुके हैं. तो उसके बाद मुझे इनके बारे में पता चला और मैं तब से इनका फ़ैन हूँ. तो सिर्फ तिग्मांशु धुलिया के लिए मैं मूवी देखूँगा और दूसरी आशुतोष राणा के लिए. बाकी तो ये अली फजल और ये सब तो आजकल के लड़के हैं, ये इनके लिए भी मूवी देख लेंगे. लेकिन मेन मैं देखूँगा आशुतोष राणा के लिए और तिग्मांशु धुलिया के लिए. आप लोग मूवी कैसे देखेंगे, आप लोग किसके लिए देखेंगे मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं. और मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा. और अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाकर लाता रहूं. मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट.